इथेनॉल और मिथेनॉल के अलावा दूसरे कमर्शियली इम्पोर्टेंट एल्कोहल्स कौन कौन से होते हैं और उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और इम्पोर्टेंट यूजेस कौन कौन से हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है बात। अब हम बात करते हैं कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल कौन कौन से हैं। ओके, सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल भाई, तो मैं आपको बताऊं, दो एल्कोहल कमर्शियली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? मिथेनॉल एंड इथेनॉल। तो हम यहां पर भाई प्राइमरली इन्हीं की बात करेंगे। ओके, तो मिथेनॉल कौन सा? आपको पता हो ना, इथेनॉल का तो आजकल आके एक बड़ा अलग यूज चल रहा है जो हमारे पास नहीं, जो मेरे ख्याल से जो फेज टू जो इंजन आए इंडिया के अंदर, अरे BS फेज टू आए हैं जो, इनमें आपको पता हो इनमें मेरे ख्याल से 20% तक जो पेट्रोल है उसके अंदर इथेनॉल मिला के इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ गए बात। तो पहले बात करते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH इसका फॉर्मूला होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? वुड स्पिरिट। और इसको हम कैसे भाई बना सकते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड भाई, क्योंकि लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए इसको हासिल करते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया? वुड स्पिरिट पड़ गया। टुडे मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का बताओ क्या कर दिया? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। जैसे मान लिया मेरे पास ये, आप खुद सोचो। अरे हालांकि मैकेनिज्म ऐसे नहीं होता, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये है CO और ये बताओ मेरे पास क्या है? 2H2। तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन एटम है? देखा जाए तो चार एटम है, तो चार में से तीन एटम तो अटैच हो जाए इसके साथ, तो ये तो क्या हो जाएगा? CH3। और एक एच अटैच हो जाए इसके साथ, ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास? OH। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? नहीं बात आपको पले पड़ी तो। लेकिन ये होता किसके जरिए? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ओके, तो फिलहाल हम इसको सुनाते हैं। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर आपने जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इतना प्रेशर और इतना क्या दे दिया? टेम्परेचर, तो क्या मिल जाएगा आपको इन दोनों से? मिथेनॉल। ओके, और क्या होता है मिथेनॉल प्रॉपर्टी? मिथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड, ऐसा कोई रंग नहीं होता। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 337 केल्विन। इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। देखो इथेनॉल लोग बाग पीते हैं, लेकिन मिथेनॉल पीने का नहीं होता, पता आपको इस चीज का? तो कहीं नहीं बोलते, बोलते हैं कि जहरीली शराब पीने से इतने मर गए। तो कई बार उसमें वो जो जहरीली शराब होती है ना, उसमें इथेनॉल की बजाय थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन किसका होता है? मिथेनॉल का। अब वो तो जहर है भाई, नहीं बात आपको पल्ले पड़ी तो। वो तो फिर क्या करेगा? नुकसान करे करेगा। इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। बोलो भाई, इंजेशन ऑफ, बताओ इवन स्मॉल क्वांटिटी, बोलो भाई, इंजेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, बोलो भाई, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन कॉज, बताओ, ब्लाइंडनेस। तो भाई नहीं, कई तो कहते हैं कि जहरीली शराब पी के अंधा हो गया, लोग बंदे हो गए, वो अंधे इसीलिए होते हैं। आ गया आपको ये? बोलो भाई, और क्या बोलेंगे? एंड लार्ज क्वांटिटीज कॉज इवन डेथ। भाई लार्ज अगर बहुत ज्यादा पी ली तो भाई इथेनॉल मिथेनॉल से डेथ भी हो सकती है। मिथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। ये कहाँ इस्तेमाल होता है बताओ? पेंट्स होते हैं, वर्निशिंग होती है, उनमें सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये एक रिएक्टेंट, एक प्रीकर्सर के तौर पर इस्तेमाल होता है। किसके अंदर? फॉर्मल्डिहाइड बनाने में। क्या बनाने में? HCHO। क्या नहीं आपको समझ में? फॉर्मल्डिहाइड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास दूसरा
कमर्शियली इम्पोर्टेंट एल्कोहल हमारे पास बताओ कौन सा होता है? इथेनॉल। अब इथेनॉल क्या होती है? इथेनॉल आपको पता होगा ना, क्योंकि इसके लिए जो कई एंजाइम होते हैं तो ये उनकी प्रेजेंस में बनता है, तो इसको फर्मेंटेशन से बनाते हैं। पता होगा आपको इथेनॉल, आपको पता है एक तरह से एक ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होता है भाई। ड्रग भी है और ये मेडिसिन भी है, ड्रग एंड मेडिसिन। नहीं बात आपको पहले पड़ी? ड्रग तो क्या आपको कहा, कई इसको भाई नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कई इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं बताओ भाई, दवाई के तौर पे। पता होगा ना आपको, अगर थोड़ी अगर किसी को खांसी हो रखी है तो थोड़ी अमाउंट में एल्कोहल उसको बेनिफिट करेगा, एजेंट इट। या मान लिया कहीं घाव हो रखा है, तो घाव होगा तो उसके लिए क्या होता है, एंटीसेप्टिक का भी काम करता होता है, एजेंट इट। ठीक है, मान लिया किसी को भाई वारफेयर में कोई ऑपरेशन करना पड़ जाए, ठीक है, तो जो डिसइंफेक्टेंट होता है ना उसके तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इथेनॉल से अगर मान लिया आप हल्का सा, मेरे ख्याल से 70-80% अगर इथेनॉल होगा तो उससे अपने हाथों को साफ करोगे तो आपके हाथों पे बैक्टीरिया वायरस नहीं बचेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा ना इथेनॉल से जो सैनिटाइजर होते हैं उनके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी होता है कईयों में, और कईयों में इथेनॉल भी होता है। इथेनॉल नहीं आपको समझ में, उससे फिर भाई क्योंकि उससे वायरस एंड बैक्टीरिया क्या होते हैं, मर जाते हैं। ओके, लेकिन जनरली इसको हम कैसे बनाते हैं, फर्मेंटेशन से। पता होगा ना आपको भाई, आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में, आज भी जो शराब वगैरह बनाते हैं वो नहीं बोलते हैं कि सड़ा कर बनाई जाती है, किसको भाई, जो गुड़ होता है या अंगूर होते हैं, गन्ना होता है, पता होगा ना आपको भाई, उसको सड़ा कैसे बनाते हैं, फर्मेंटेशन से। उनका जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ भाई, इथेनॉल में। किस में? इथेनॉल में। नहीं आपको समझ में, कैसे बताओ, द शुगर, ध्यान हो भाई, द शुगर इन मोलेसेस, शुगर केन और फ्रूट्स सच ग्रेप्स। अरे वो जो शुगर होती है ना, समझे बात, फलों में या भाई गन्ने में, वो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं बताओ भाई, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड इन्वर्टेज। यानी जो शुगर होती है, चाहे वो फ्रूट्स में हो चाहे वो भाई शुगर केन में हो, नहीं बात आपको पहले पड़े भाई, उसको अगर आप पानी मिला के उसमें और क्या करते हो, इन्वर्टेज एंजाइम होता है ये, क्या होता है, इन्वर्टेज एंजाइम होता है, समझे बात, ये इसको किस में बदल देगा बताओ भाई, बोलो भाई, इन्वर्टेज ग्लूकोज, अरे भाई ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अंडरगोज फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एंजाइम। तो पहले इन्वर्टेज क्या करेगा, इसको तोड़ दिया ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। ध्यान रखियो, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, सेम। लेकिन आपको पता होगा हमारी बॉडी के लिए ग्लूकोज इतना नुकसानदायक नहीं होता जितना हमारे लिए नुकसानदायक फ्रुक्टोज, क्योंकि लीवर को बहुत ज़्यादा हार्म करता है फ्रुक्टोज। ओके, तो जहाँ पर ना तो फ्रुक्टोज सिरप वगैरह होते हैं, कॉर्न सिरप, उसमें फ्रुक्टोज होता है, तो उसमें देखते हैं एडिड शुगर में, हालांकि नुकसान ही करता है, ज़रूर से ज़्यादा ग्लूकोज भी। ओके, खैर छोड़ो, अब ये जो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज हैं, इनको फिर एक और एंजाइम होता है जाइमेज, कौन, वो जाइमेज इनको किस में तोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल। इसलिए तो क्या होता, आपने देखा होगा पुराने टाइम पे लोग बाग क्या किया करते, जो चीनी है या गुड़ है या ऐसे चीज़ों को दबा दिया करते, पता होगा ना आपको भाई, एक अरे वो, और फिर उसमें वो भाई समय के साथ वो क्या हम किसे बदल जाया करती, बताओ, शराब में नहीं बदल जाया करती वो, इथेनॉल। लेकिन क्योंकि भाई आपको पता होगा ना, अलग अलग तरह के फ्रूट्स में अलग अलग तरह के कंपाउंड और भी होते हैं, इसलिए जो अलग अलग जो फ्रूट्स शराब बनती हैं उनके टेस्ट भी क्या होते हैं, हालांकि मैंने टेस्ट नहीं कर रखा, लेकिन जो पीते हैं उनको पता है भाई इनमें टेस्ट क्या होता है, अलग अलग होता है, तभी तो कई शराब महंगी होती है, कई शराब क्या होती है, सस्ती होती है। ठीक है, अब बताओ क्या होता है इन वाइन मेकिंग, क्या इन वाइन मेकिंग, ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड यीस्ट। अरे भाई वाइन में फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट और भाई शुगर कौन सप्लाई करेगा, ग्रेप्स अंगूर, नहीं समझे बात, जब ग्रेप्स जब अंगूर पकने लगते हैं, आपको पता ना कच्चे अंगूर में शुगर कम होती है और स्टार्च क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे अंगूर पकने लगता है तो उसमें
बताओ उसका उसमें शुगर कंटेंट क्या हो लगातार बढ़ने लग जाएगा और यीस्ट उसकी सरफेस पे ग्रो करने लगता है। अंगूर की जो बाहरी सरफेस होती है ना उसके ऊपर क्या ग्रो करने लगता है? यीस्ट। ठीक है बात, आउटर स्किन के ऊपर। व्हेन ग्रेप्स आर क्रश्ड, बोलो भाई, शुगर एंड द एंजाइम कम इन कॉन्टेक्ट। तो जब तक भाई वो ग्रेप्स आपने फोड़ा नहीं है तो बाहर तो क्या है, यीस्ट तो बाहर है जो एंजाइम देगा, समझे बात, और शुगर अंदर लेके क्रश करने पर बताओ क्या हो जाएगा, एंजाइम और शुगर क्या जाएंगे, कॉन्टैक्ट में जाएंगे ना, और फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा भाई। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनएरोबिक कंडीशन, आपने देखा होगा ना उसको एक मटके में भर के, एनएरोबिक कंडीशन होनी चाहिए भाई, यानी वहां पर क्या नहीं होनी चाहिए, हवा नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपने देखा होगा ना पुराने टाइम के अंदर भाई ये फर्मेंटेशन करने के लिए उसको बड़े बड़े जो मटके होया करते उनमें भर के और तब जमीन में गाड़ दिया करते, पता होगा ना आपको इस चीज का भाई। ठीक है, तो सेम बात यहां पर होती है। तो फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनएरोबिक कंडीशन। देखो एरोबिक का मतलब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और भाई एनएरोबिक का मतलब क्या होता है, इन द अब्सेंस और लैक ऑफ एयर। देखो आप नहीं बोलते एरोबिक एक्सरसाइज, हम क्या बोलते हैं एरोबिक, क्योंकि उसमें हम सांस बहुत ज्यादा लेते हैं भाई, पता होगा ना आपको हमारी हमारी भाई सांस लेने की रफ्तार क्या होती है, एक्सरसाइज करते तो बढ़ जाती है क्या, बताओ। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, फर्मेंटेशन के दौरान क्या होगी, रिलीज होएगी। द एक्शन ऑफ जाइमेज इज इनहैबिटेड, बोलो भाई, अब जो जाइमेज था जो क्या बनाने लग रहा है, बताओ भाई, जो शुगर से लगातार क्या बनाने लग रहा है, एल्कोहल, नहीं बताओ आपको पले पड़ी। तो जाइमेज की जो एक्शन होगी वो इनहैबिट वो कम होने लग जाएगी, जैसे ही क्या होगा एल्कोहल की परसेंटेज कितनी क्रॉस कर जाएगी, बताओ भाई 14%, नहीं आपको 14% से ज़्यादा एल्कोहल होने पर जाइमेज थोड़ा इनएक्टिव होने लग जाएगा। इफ एयर गेट्स इनटू द फर्मेंटेशन मिक्सचर द ऑक्सीजन ऑफ द एयर ऑक्सीडाइजेज, अगर मान लिया एयर चली गई ना वहाँ पर, क्या चली गई, फर्मेंटेशन के दौरान एयर चली गई, तो वो ऑक्सीजन जो होगी एयर वाली वो इथेनॉल को फर्दर क्या कर देगी, देखो ग्लूकोज तो ऑक्सीडाइज हो क्या बन गया, फर्मेंटेशन के दौरान ग्लूकोज तो ऑक्सीडाइज हो क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, लेकिन अगर वहां पर एयर क्या हो जाए ट्रैप, तो एयर में O2 होती होगी ना, तो वो O2 इस एल्कोहल को क्या कर देगी, फर्दर क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज, किसमें, इथेनोइक, मतलब आपके पास जो ये CH3CH2OH है ना ये क्या हो जाएगा CH3CH2COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, अरे पहले वो बोलो भाई। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, विच इन टर्न डिस्ट्रॉय द टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, और इस वजह से फिर जो उसका टेस्ट होता है एल्कोहल का वो तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बताओ आपको पहले पड़ी। इसीलिए ड्यूरिंग फर्मेंटेशन में वो ध्यान रखते हैं कि वहां पर क्या ना जाए, मतलब एयर वहां पर एंटर ना कर पाए, बात आपको पहले पड़ गई भाई, नहीं समझे बात, अरे बोलो। ठीक है, और क्या होता है इथेनॉल, क्या होता है कलरलेस लिक्विड, आपको हो गए हमने तो भाई वाइन का अलग अलग कलर देखा, रेड वाइन है फलानी एजेंट, उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि भाई इथेनॉल तो क्या होता है कलरलेस होता है, लेकिन अलग अलग फ्रूट से अलग अलग तरह के जब आप फ्रूट लेते हो तो उसमें शुगर शुगर थोड़ी ना होती, उसमें और भी क्या होते हैं बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, तो उनसे उनका फ्लेवर बन जाता है, इसी से क्या बनते हैं शराब के अलग अलग क्या बनते हैं फ्लेवर, अंगूरी का फ्लेवर अलग होगा, समझे बात भाई, क्या माल्टा का फ्लेवर अलग होएगा, बात आपको पहले पड़ी, ओके, नहीं समझे बात भाई, और जौ की जो शराब होती है उसका फ्लेवर अलग होएगा, तो सभी का फ्लेवर क्या हो जाएगा भाई, अपना अपना टेस्ट सबका, ओके, उपकार आ गया आपको समझ में, बोलो भाई। तो लेकिन इथेनॉल और फ्लेवर तो होगा ही होगा, लेकिन क्योंकि जो और बहुत सारे कंपाउंड होते हैं उनसे फिर कलर भी क्या होता है उनको, इम्पर्ट कलर भी क्या होता है उनको भाई, तो जब शराब बनाते हैं तो इथेनॉल तो वहाँ पर भी थोड़ा ही बनता है, नहीं बात आपको पले पड़ी, हालांकि जो कई शराब होती हैं उनमें इथेनॉल कंटेंट 50-50% 70-70% तक ले जाते हैं, रम के अंदर क्या होता है 70% तक, मैं ख्याल से 67 से मुझे पता नहीं भाई। ठीक है, ओके, हाँ बोलो, ऐसे रम बड़ी तेज होती है,
जो बियर होती है उसमें बड़ा 4-5% टिका होता है एल्कोहल, उसमें ज़्यादातर आपको भाई इसीलिए बियर का आपको टेस्ट फ्रूट्स क्या उसमें क्या आएंगे आपको टेस्ट आएंगे, बात आपको पहले पड़ गई। किसी ने बियर पी है? पीना भी नहीं है। ओके तो क्या हो भाई, तो कलरलेस लिक्विड है विद बॉइलिंग पॉइंट क्या हो इसका 351 केल्विन। इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री, और ये इस्तेमाल कहाँ होता है? पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और सॉल्वेंट के तौर पे और कहाँ इस्तेमाल होता है बताओ? बहुत सारे ऑर्गेनिक के जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ना, ऑर्गेनिक में बहुत सारे जो कंपाउंड होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए एज रिएक्टेंट हम किसको इस्तेमाल करते हैं? एल्कोहल को। आगे आपको द कमर्शियल एल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर, लेकिन कई बार क्या होता है कई फैक्ट्री कंपनी होती है जो एल्कोहल का प्रोडक्शन करती है, पता होगा ना आपको भाई कई कंपनीज। देखो एक तो एल्कोहल को आप कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो जैसे यहाँ पर हमने बताया था प्रॉपर फर्मेंटेशन से। तो शराब तो कैसे बनती है? प्रॉपर फर्मेंटेशन से भाई, गुड़ से, चीनी से, अंगूर से जो भी बनती है, तो वहाँ पर वो तो नेचुरल शराब है, नहीं समझे बात? नहीं, कई कंपनीज एल्कोहल कैसे बनाती है बताओ भाई? सिंपली कार्बन मोनोक्साइड क्या करके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो वहाँ पर आपको चीनी वगैरह की ज़रूरत नहीं, तो वहाँ बन तो क्या जाएगा आपके पास एल्कोहल, इथेनॉल तो बन जाएगा ना। अब आप फ़र्ज़ करो जो कंपनी है इथेनॉल की, वहाँ पर दो तीन जो कारिंदे हैं, कारिंदे वो क्या करते हैं बताओ भाई? वो पीते हैं, तो वहाँ से उनके बोतल चुरा चुरा के ले जाएंगे भाई और सोचेंगे फ्लेवर क्या क्या करेंगे, घर जाके थोड़ा पानी मिला के और इसमें थोड़ा बहुत भाई उसमें कुछ फ्लेवर डाल लेंगे भाई, नहीं भाई थोड़ा रस डाल लिया, नहीं समझ बात? तो ऐसे उसका मिसयूज नहीं हो जाएगा उस शराब का, उस इथेनॉल का, नहीं बात आपको पले पड़ी? तो कंपनीज में, फैक्ट्रीज में जो इथेनॉल बनता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, वो कलरलेस होता है ना, बोलो भाई, तो उसकी चोरी ना हो, उसका मिसयूज ना हो, तो उसमें ऐसे कंपाउंड मिला देते हैं ताकि वो पीने के लिए क्या हो जाए? अनफिट, नहीं समझे बात? उसमें क्या मिला भाई? उसमें वो पीने के लिए क्या हो जाएगा? अनफिट हो जाएगा। जैसे उसमें क्या मिला दोगे? कॉपर सल्फेट, तो उसको कलर मिल जाएगा ब्लू ब्लू का कलर, क्या नहीं बात आपको पले पड़ी? उसमें क्या मिला दो? कॉपर सल्फेट, तो कलर्ड हो जाएगा। तो लोग सोचेंगे भाई ये तो अजीब सी लग रही है, एक तो उसको पेन, दूसरा उसमें क्या मिला? पायरिडीन, क्या मिला देंगे? तो पायरिडीन की स्मेल गंदी होती है, उससे फिर क्या हो जाएगा? या उसमें थोड़ा बहुत क्या मिला देंगे? मिथेनॉल, क्या मिला देंगे? उससे वो क्या हो जाएगा? जहरीला। आगे आपको समझ में? तो कई बार जो जहरी शराब होती है ना वैसी ही होती है कि वो होता तो क्या है कमर्शियल अवेलेबल इथेनॉल, लेकिन उसको कोई बना बना के उसको मिला मिला के पानी में और भाई एज दारू बेचने की कोशिश करता है, तो जो भी उसको पिएगा वो क्या होगा? अंधा हो जाएगा या मर जाएगा। बात आपको पहले पड़ी? ये ब्लैकमेलिंग होती है, और जो गवर्नमेंट्स होती हैं, अब शराबबंदी तो हो नहीं सकती भाई, गवर्नमेंट शराबबंदी ट्राई, तो फिर ऐसे में जो ब्लैक मार्केट वाले होते हैं वो तो पैसा कमाते ही ऐसे, और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ना कोई गवर्नमेंट का कोई रूल होता कि कैसे शराब बना के बेचेंगे वो, इससे लोग मरते हैं। ओके तो जहरीली शराब पी के जितने भी लोग मरते हैं उनके लिए इनडायरेक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट, क्योंकि वो शराबबंदी कर रखी है। जो पिएगा वो तो पिएगा भाई, उसको तुम नहीं, तुम उसको प्रॉपर अप्लाई अवेलेबल नहीं करो, वो कहीं से और से लेके आएगा, और कहीं और से लेके आएगा ऐसे ही चोरी छुपे, तो वैसे ही क्या होगी? कूड़ा कचरा, वो पॉइजनस ही होगी वो तो भाई, जो छुप छुप के लेके आएगा भाई कहीं से, वो तो फिर क्या उसमें जहरीले होने के चांस क्या होंगे? प्रॉपर होंगे, क्योंकि जो प्रॉपर जो ठेके होते हैं वहाँ पर तो उसकी बाकायदा क्या चेकिंग होती है। गवर्नमेंट को लोगों को अवेयर करना चाहिए भाई, ऐसे शराबबंदी नहीं होती होती। आगे आपको, तो इस प्रोसेस को पता क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। तो इथेनॉल में आप कुछ ऐड करके और इथेनॉल की ड्रिंकेबिलिटी को, कि वो ड्रिंकेबल ना रहे, आप ख़त्म कर देते हो ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं, नहीं आपको? और आजकल आपको भाई अगर इथेनॉल की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो इथीन का क्या कर दो? हाइड्रेशन, क्या इथीन का आप क्या कर दो भाई? हाइड्रेशन कर दो, नहीं आपको समझ में? अगर आपने इथीन का हाइड्रेशन कर दिया तो ये सिंपल सी बात है, बताओ इथीन में क्या हो जाएगा? इथीन में आपने हाइड्रेशन कर दिया
तो क्या होता हमारे पास इथीन होता, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता होगा इथीन, नहीं है आपको समझ में? तो इलेक्ट्रोफिलिक मेरे ख्याल से हुई इलेक्ट्रोफिलिकेशन रिएक्शन है, H2O क्या है, तो प्रोटॉन यहाँ पर आ गया तो ये क्या हो गया CH3, तो OH कहाँ पर आ जाएगा इसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये CH3 CH2 OH, तो लार्ज क्वांटिटी आप पैसे हासिल कर सकोगे। फिर इसके लिए इथिन कहाँ से हासिल करेंगे, इथिन यहाँ पर किस कैसे हासिल करेंगे, तो इथिन हासिल करने का बड़ा सिंपल तरीका है, जो हमारे पास क्या होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनसे हम क्या हासिल कर सकते हैं इथिन। ओके, बहुत लार्ज अमाउंट में। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो वो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।